नमस्कार, मैं अनिल गलगली। डीआरबी न्यूज़ के माध्यम से मैं फिर एक बार आपके सामने आरटीआई सूचना का अधिकार यानी माहिती का अधिकार इसे लेकर कुछ अलग अलग तथ्य हमेशा सामने लाता हूँ, लेकिन आज मैं किसी सूचना आयोग द्वारा किसी को जुर्माना लगाने की खबर या सूचना पाने के लिए होने वाले जद्दोजहद की बात नहीं करूँगा। 10 रुपये के आरटीआई में एक राजा को 1 अरब की संपत्ति कैसे प्राप्त हुई, इसका मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। निश्चित तौर पर आरटीआई जब इस देश में आया तो आम नागरिकों के लिए यह सबसे बड़ा कानून बना, लेकिन आम नागरिकों का कानून एक राजा को उसकी पुश्तैनी जो संपत्ति थी जो कलेक्टर के पास थी और उसका कोई भी रिकॉर्ड उनके पास नहीं था, उसे पाने के लिए उन्होंने 10 रुपये की आरटीआई की अर्जी की और उन्हें 10 महीने के बाद जो जानकारी मिली उससे उनकी जो पुश्तैनी जो संपत्ति थी उसके रिकॉर्ड मिले और कहीं ना कहीं तो प्रशासन और सरकार द्वारा जो उनकी पुश्तैनी संपत्ति को लेकर जो आनाकानी हो रही थी, जो उन्हें किराया नहीं मिल रहा था, उसका उसे लाभ मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के खीरी में ओयल रियासत थी, उसके जो राजा थे युवराज दत्त, उन्होंने 1928 में अपनी जो पुश्तैनी जो महल था डिप्टी कलेक्टर को प्रति महीने 101 रुपया किराए से दिया था। 1928 से लेकर 1988 तक किराया मिल रहा था, लेकिन जब राजा युवराज दत्त की मौत हुई उसके बाद किराया मिलना बंद हुआ। दुर्भाग्य से उस रियासत के पास उस प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, ना कोई रिकॉर्ड उनके पास था, तो राजा का परिवार परेशान था। जो अभी फिलहाल जो राजा विष्णु नारायण दत्त थे, उन्होंने कई जगह पर जद्दोजहद की लेकिन उन्हें किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिली। तब उन्हें जाकर सिद्धार्थ नारायण जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट है उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने सलाह देने के बाद उन्होंने 10 रुपये की आरटीआई की अर्जी 4 विभागों में पंजीकृत कराई। आपको आश्चर्य होगा, चारों विभाग से जो उन्हें जानकारी मिली उससे 1928 में जब उन्होंने डिप्टी कलेक्टर को उनके रियासत ने जो पुश्तैनी जो महल था जो उनकी प्रॉपर्टी थी जो किराए पर दी थी उसके डॉक्यूमेंट मिल पाए, आज उस संपत्ति की कीमत 1 अरब रुपए है। कितने? 1 अरब रुपए। यानी 10 रुपये की आरटीआई में राजा को 1 अरब की संपत्ति कैसे मिल सकती है, ये भारत में ही संभव है, वो भी सूचना अधिकार का कानून का इस्तेमाल करने के बाद। निश्चित तौर पर आज भी हमारे देश में अलग अलग राज्यों में सूचना पाने वाले जो लोग होते हैं कई बार न्यायालय लड़ाई के लिए या अलग अलग विवादों में आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब भी आपको न्यायालय की लड़ाई लड़नी है या अपना दावे को पुख्ता करना है तो आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है और वो डॉक्यूमेंट मिलते हैं आपको आरटीआई से। राजा के परिवार ने आरटीआई का इस्तेमाल किया और उन्हें 1 अरब की संपत्ति आसानी से मिल पाई। देखिए कितनी चौंकाने वाली बात है और यह अजूबा भी है, क्योंकि 10 रुपये में आपको 1 अरब की संपत्ति कैसे मिल सकती है। निश्चित तौर पर यह आरटीआई की ताकत है, इसे बरकरार रखने के लिए, इसे मेंटेन रखने के लिए हर एक नागरिक को आरटीआई का इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद।